गुलबर्गा में आंगनवाड़ी टीचर्स की जानिब से डीडी डिपार्टमेंट ऑफिस के सामने एहतजाज किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में आंगनवाड़ी टीचर्स कर्नाटका गवर्नमेंट के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते देखे गए हैं। कर्नाटका गवर्नमेंट की जानिब से 11 जून को नोटिफिकेशन जारी कर गुलबर्गा, बीदर, बेल्लारी, कोपाल, रायचूर और यादगीर तमाम कल्याण कर्नाटका के कुल 1000 से ज्यादा स्कूल्स में प्री प्राइमरी क्लासेस स्टार्ट करने का ऑर्डर जारी किया गया है। इस ताल्लुक से आंगनवाड़ी टीचर्स का कहना है, अगर प्री प्राइमरी क्लासेस गवर्नमेंट स्कूल में स्टार्ट किए गए तो तमाम आंगनवाड़ी सेंटर्स बंद हो जाएंगे, जिसमें हजारों आंगनवाड़ी टीचर्स बेरोजगार हो सकते हैं। अगर गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत देखी जाए तो गवर्नमेंट स्कूल वीरान पड़े हुए हैं। इन स्कूल्स में ना तो ढंग के क्लासरूम्स हैं और ना ही किसी तरह की कोई सहूलत गवर्नमेंट स्कूल में मौजूद है। कर्नाटका गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज कर आंगनवाड़ी टीचर्स एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने कहा, कल्याण कर्नाटका के गवर्नमेंट स्कूल में कुल 16,000 के करीब टीचर्स की जॉब खाली पड़ी है, जहां किसी को जॉब नहीं दिया जा रहा। इस एहतजाज के जरिए कहा गया, प्री प्राइमरी क्लासेस स्टार्ट करने से पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि वो गवर्नमेंट स्कूल की हालत सुधारे। और अगर आंगनवाड़ी टीचर्स का काम देखा जाए तो ये ना सिर्फ 3 साल से 6 साल के बच्चों को पढ़ाते हैं, बल्कि ये बच्चों को पोलियो दिलाना, वैक्सीन दिलाना, फूड डिस्ट्रीब्यूट करना, इलेक्शन में वोटर्स तक चीट डिस्ट्रीब्यूट करना, अपने एरिया में डेथ और बर्थ की रिपोर्ट बनाना, बच्चों के लिए फूड सप्लाई करना और प्रेग्नेंट महिलाओं तक गवर्नमेंट के फायदे पहुंचाने के अलावा कई काम को अंजाम देते हैं। इस एहतजाज के दौरान आंगनवाड़ी टीचर्स ने कहा, कर्नाटका स्टेट में मौजूद सभी गवर्नमेंट स्कूल की हालत सुधारने के बजाय प्री प्राइमरी क्लासेस को स्टार्ट कर आंगनवाड़ी सेंटर्स को बंद करने की प्लानिंग की जा रही है और जानबूझकर आंगनवाड़ी सेंटर्स को टारगेट कर प्री प्राइमरी क्लासेस स्टार्ट करने का ऑर्डर जारी किया गया है। आंगनवाड़ी टीचर्स की तरफ से लगातार पिछले कई दिनों से यह एहतजाज चल रहा है और गवर्नमेंट का ऑर्डर वापस लेने तक इसी तरह एहतजाज होते रहेंगे। This video presented by Al Sharia PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharia PU College for Girl at Muslim Chowk, Bijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharia BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharia Public School powered by LED, Old Jewargi Road. Admission are open, contact for details. Hyderabad, Karnataka ke primary school mein hazaro post khali hai. Kiska post hai yo? Teachers ka post hai. टीचर्स का पोस्ट भर्ती करना सरकार का जिम्मेदारी बनती है। क्यों भर्ती करना? यहाँ के हमारे प्राइमरी स्कूल के बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रही है, वो नहीं पढ़ रहे हैं, वो बहुत समस्या है। समस्या किसका है? समस्या है वहाँ टीचर का पोस्ट नहीं है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूल बिल्डिंग नहीं है, पानी नहीं है, वॉशरूम नहीं है, टीचर्स नहीं है, बोर्ड नहीं है। और बच्चों जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके घर में पैसा नहीं है, गरीब है, माइग्रेशन हो रही है, काम नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इस सब के कारण यहाँ का रिजल्ट डाउन हो रही है। तो ये सब सुधारने के बजाय, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का बजाय, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर करने के बजाय 16,000 से ज़्यादा जो शिक्षकों का पोस्ट खाली है वो भर्ती करने का बजाय कि यहाँ का गवर्नमेंट की और एक डिसीजन करे है, वो डिसीजन एकदम गलत है। क्या डिसीजन करे है? आंगनवाड़ी का ये जो ICDS है वो ख़त्म करके आंगनवाड़ी में जो बच्चे आते हैं 3 साल से 6 साल तक, 5 साल तक, उन बच्चों के लिए LKG UKG आंग्ल माध्यम में इंग्लिश पढ़ाने के लिए वो डिसीजन करे हैं। हम कहते हैं छोटे उम्र के बच्चों को पहला उनको मातृभाषा में उनको प्रभुत्व आना, मातृभाषा में उनको सिखाना, एजुकेशन देना। आप गाना सिखाते या ड्रामा सिखाते या अदर एक्टिविटीज़ करते, सब एक्टिविटीज़ उनके मातृभाषा में होना। मगर इन्होंने क्या कर रहे हैं, LKG UKG इंग्लिश में पढ़ाने के लिए कि उन्होंने एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं, भर्ती करें टीचर्स को, परमानेंट नहीं है कि वो गेस्ट टीचर्स ऐसा 10,000 देकर, 5,000 देकर हेल्पर और 10,000 देकर टीचर्स उनको अपॉइंटमेंट ले रहे हैं और उनसे ये अलग एक पूर्व प्राथमिक शिक्षण LKG UKG चला रहे। कि आंगनवाड़ी टीचर्स क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं? आंगनवाड़ी सेंटर पिछले 49 साल से यहाँ चला रहे कर्नाटक में, पूरे देश में, कि वो टीचर्स है ना, बच्चों को गाना सिखाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को खेल सिखाते हैं, बच्चों का परवरिश पूरा करते हैं, सुबह से लेकर दोपहर शाम तक करते हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट का अलग अलग काम भी उन्होंने आंगनवाड़ी महिला करते हैं। उसको स्ट्रेंथन करने के बजाय
वो ख़त्म करके वहाँ का बच्चों को लेके उन्होंने LKG UKG कर रहे हैं कि LKG UKG अगर आप यही बच्चों को लेते तो ICDS किंग ख़त्म हो जाता। इसके बारे में कोई मिनिस्टर MLAs ऑफिसर्स क्या कहते हैं, उन्होंने ऐसा ऊपर का स्टेटमेंट देते हैं? नहीं नहीं नहीं, बच्चे बहुत है, वो तो आंगनबाड़ी को आते। कहाँ है बच्चे? बच्चे थोड़ा भी अमीर है, थोड़ा अच्छा मध्यम वर्ग के बच्चे है, प्राइवेट स्कूल एजुकेशन क्या इंस्टीट्यूशन के लिए आप परमिशन दिए हैं? कौन दिए हैं? गाँवों में है अभी प्राइवेट एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम है, कन्नड़ मीडियम है, कि वहाँ जो मध्यम वर्ग का बच्चे है उधर जाते हैं, परमिशन कौन दिए? यही गवर्नमेंट वाले दिए हैं कि बहुत सारे बच्चे उधर जाते हैं, जो गरीब है, जो किसान लोगों का बच्चे है, जो एग्रीकल्चर वर्कर्स का बच्चे है, गरीब बच्चे, वो आंगनवाड़ी को आते हैं। आंगनवाड़ी में आकर अच्छा सीख रहे, अच्छा पढ़ रहे, अच्छा गाना गा रहे, अच्छा उनका मेंटल डेवलप हो रहे, और पिछले अनेक साल से KKRDP का फंड उधर दे रहे हैं और उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे हैं, और अभी जाकर आप देख सकते हैं आंगनवाड़ी सेंटर में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने आंगनवाड़ी महिला कर रहे हैं कि हर एक चीज का उन्होंने एजुकेशन दे रहे, मगर ये सब नहीं देखे हैं हमारे मिनिस्टर, हमारे MLA नहीं देखे हैं वो लोग, या एजुकेशन अपहोल्ड करने के लिए, मतलब एजुकेशन ज़्यादा करने के लिए, अच्छा रिजल्ट आने के लिए हमने LKG UKG स्टार्ट करना, इतना ही उनके दिमाग में है। हमारे डिमांड ये है कि आंगनवाड़ी में हजारों महिला डिग्री होल्डर है, PG होल्डर है, कि गुलबर्गा जिला में 5 महिला हेल्पर जो काम करते हैं, जो खाना पकाते हैं, कि वो PG होल्डर है, मतलब वो MA है, MCOM करे सो है, PUC है, SLC है, इन सभी को लेकर आंगनवाड़ी सेंटर में ही उनको ट्रेनिंग देकर आंगनवाड़ी स्ट्रेंथन करके वहीं भेजो ना बच्चों को, ये सिस्टम कायम रहेगा, नहीं तो ये सिस्टम ख़त्म होगा। एक सिस्टम ख़त्म करके दूसरा सिस्टम आप अगर इवॉल्व करना चाहते, ये गलत है, अनसाइंटिफिक है, अतार्किक है, ये छोड़ो। आज KKRDP का मीटिंग चल रही है बेंगलोर में कि CM DCM उधर है, हमारे एरिया के MLAs मिनिस्टर्स भी उधर है, हम उनको कहते हैं आंगनवाड़ी स्ट्रेंथन करके आप LKG UKG क्या भी चाहते वो करो, आंगनवाड़ी ख़त्म करके कि सेपरेट स्कूल आप करते, ये गलत है। इसीलिए हमारे आंगनवाड़ी महिला पिछले 3 तारीख से लेकर अब तक उनका स्ट्राइक जारी है, ये पूरा स्टेट को उन्होंने लागू करना चाह रहे हैं, ये गलत है। ये जो महिला मक्कल कल्याण इलाका डेवलपमेंट बोर्ड है WCD और जो इसका डिपार्टमेंट का महिला मिनिस्टर है लक्ष्मी हेब्बाळकर, क्या कर रहे हैं लक्ष्मी हेब्बाळकर? अब तक एक स्टेटमेंट नहीं दिया उन्होंने। क्या ये महिला महिला नहीं है? लाखों महिला ही है, इनके साथ इनका फैमिलीज है पूरा, इसके बारे में एक लफ्ज तक उन्होंने बात नहीं करे। ये कहाँ के मिनिस्टर है? हम तो BJP वालों को गाली देते थे, BJP वालों ने लोगों का खिलाफ कर रहे हम कहते थे, मगर आप लोग जो कांग्रेस के लोग चुनकर आए हैं कि गारंटी गारंटी का नाम पे, वो गारंटी को पैसा देने के लिए यहाँ न्यू लिबरल पॉलिसी आप लोग जो ला रहे हैं, खासीकरण, जागतिकरण, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये आपने इतना स्पीड से जारी कर रहे कि बीजेपी वालों ने जैसा कर रहे थे वैसा कर रहे, हम इसका कड़ी विरोध करते हैं। आज हम सब क्यों आए बोले तो ये KKRDP हमारे साथ एक खेल खेल रहे हैं, क्योंकि हमारे 4 से 6 साल के बच्चे वो हमारे आंगनवाड़ी के बच्चे हैं, वो लोग LKG UKG ने प्राइमरी स्कूल में एडमिशन करने के लिए आदेश दे गए हैं। इसके लिए हमारे 40-50 साल के आंगनवाड़ी अब हमारे को सब रद्द करके वो 3 साल से लेकर 6 साल के बच्चे वो हमारे आंगनवाड़ी के हैं, वो सब लोग प्राइमरी स्कूल में डाले तो हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ते क्या करेंगे? लेकिन ये सरकार को नहीं समझ रहा है कि हम क्या क्या है, पर हमें तरबेत, हमारे को भी तरबेत ट्रेनिंग दे तो हम सब कुछ चला सकते हैं। आप तो अभी ये सब ये KKRDP और अजीम फाउंडेशन में हमारे एक एक तालुके से कनिष्ठ नहीं बोले तो 50-50 आंगनवाड़ी कार्यकर्ते को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम 5 ट्रेनिंग लेके हम शालापुर शिक्षण 9 बजे से 1 बजे से चल कर रहे हैं, 1 बजे तक हमें सिर्फ शालापुर शिक्षण ही कर रहे हैं बच्चों को, मगर ABCD से लेकर सब कुछ बच्चों का सर्वोत्तम का पहलवान, क्योंकि हमारे पास बच्चों का फर्स्ट से लेकर हमको सब कुछ मालूम है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ते लेकर हमें हर एक को मालूम है कि हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ते हैं, ये सब कुछ करते हैं, सबको मालूम है, लेकिन हमारे पास डिग्री वैसे लोग भी लोग बहुत है और
पीयूसी सेकेंड ईयर हुए सर, डबल डिग्री हुए सर, वो लोग को लेकर एलकेजी यूकेजी चलाएं। और जहां पर प्राइमरी स्कूल के बाजू आंगनवाड़ी है वहां पर हमारे आंगनवाड़ी को सेट करके हमारे को चालक प्रशिक्षण देने को राजी करें। लेकिन वो ये सब छोड़ के सरकार हमें रास्ते में तल रहे हैं। हमको ये कब तक जारी रहेगा, क्योंकि एलकेजी में क्या है, सिर्फ एलकेजी यूकेजी उतना ही बोल रहे हैं सरकार। ये फर्स्ट में लिए तो वो कन्नड़ा मीडियम जाते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम सिर्फ एक साल क्यों चलता है, ये सरकार को मालूम नहीं होना क्या? हमारे कोई एलकेजी के हम माफ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे को एबीसीडी क्या नहीं आता, हमारे पास भी बीए वेस है, डिग्री वेस है, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। इसीलिए हम ये यहाँ पर इतने सब लोग हम क्या भी करेंगे, लेकिन हमें हो रहा था वापस नहीं करते। कल्याण कर्नाटक भाग जिले इवत्तु केकेआरडीपी मुखांतर शिक्षण इलाखेवरु 1008 प्राइमरी स्कूल एलकेजी यूकेजी प्रारंभ माडबेकु अंत हेळि इवत्तु आदेशवन्नु हरडिसिदे। मूरनेय तारीखिगे 7 जिल्लेगळद 10,000 जन नावु होराट माडिद्वि। अवत्ते शिक्षण आयुक्तरु आद आर्डरन्नु तटस्थगोळिसि नावु माडोदिल्ल अंत हेळि नम्मन्न होराटदिंद एब्बिसिद्रु। 12ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ, ಆದರೆ 11ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ರೀಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಏನು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಯು ಕೆ ಜಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು 5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ 30 ಮಕ್ಕಳು ತಗೋಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ಸಿ ಮುಖಾಂತರ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕಲಿಸಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ, ಅವರಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಗಾರ, ಸಹಾಯಕಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಗಾರ ತಗೋಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಅದನ್ನೇ ನಾವು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಎಸ್ ಇ ಪಿ ಮುಖಾಂತರ ಈಗಾಗಲೇ ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1.5 ಗಂಟೆ ತನಕ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ನಾಳೆ ಕೆ ಕೆ ಆರ್ ಡಿ ಪಿಲಿಂದ ಫಂಡ್ ನಿಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇವರು ಏನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯುಕ್ತರು, ಈ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯುಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಇದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ। 17ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ, ಅಂಗನವಾಡಿ ನೌಕರ ಹೋರಾಟ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಈ ಆರ್ಡರ್ನ ತಟಸ್ಥಾಗುತ್ತಾನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಸಿ ಎಂ ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಕೆ ಕೆ ಆರ್ ಡಿ ಪಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿಯೋಗ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇದು ಏನಾದರೂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಯು ಕೆ ಜಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ। ಶಾಂತಾ ಎನ್ ಗಂಟೆ, ಅಂಗನವಾಡಿ ನೌಕರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ। This video presented by Al Sharay PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharay PU College for Girl at Muslim Chowk, Bijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharay BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharay Public School powered by LED, Old Jewargi Road. Admission are open, contact for details.